Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from Maria Athar Official. How's everybody doing? I hope everybody is well. और आप लोगों ने रमजान बहुत enjoy किया होगा और इस last अशरे को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, इबादतें करके, अल्लाह से मांग के और अपने और अपने मुल्क के लिए बहुत सी दुआएं करके. सो आज मैं आई हूँ, मुझे बहुत सी खवातीन ऐसी फॉलो करती हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहती, जिनको हर वक्त मसला हो रहा होता है कि मैं ओरिजिनल जोड़ा कहाँ से लूँ, मैं अच्छी स्टिचिंग कहाँ से कराऊं, मेरे टेलर ने मेरा जोड़ा खराब कर दिया, मेरा एक पीस यहाँ हो गया, ये हो गया, मुझे पीसेस पूरे नहीं पहुंचे, एंड टू मेनी इश्यूज गोइंग ऑन विद द क्लोथ्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो डिजाइनर्स वगैरह बेच रहे होते हैं. अभी मैं बहुत ज्यादा कंप्लेन्स पड़ रही थी कि इस डिजाइनर से मैंने ऑर्डर किया, उसमें एक पल्लू नहीं था या एक एप्लिक का पीस नहीं था, एक कली नहीं थी, शलवार का कपड़ा गलत था, नो टू मेनी इश्यूज गोइंग ऑन. मुझे ये इश्यूज नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि मैं जी जाती हूं डिजायर कलेक्शन के पास, विच इज बाय अ लवली लेडी, हर नेम इज फरहत. फरहत से मैं पिछले 8 साल से शायद लॉनी ले रही हूं, जब से लॉन्च हुई थी मैं फरहत से ले रही हूं. मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है. 3-4 साल लॉनी खरीदने के बाद एक साल उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास तो टेलरिंग सर्विस भी है. तो मैंने कहा फरहत यार आप एक ही जगह पे हरफन मौला मुझे मिल गई है, मुझे आपने बताया ही नहीं था. मेरे टेलर्स भी मुझे बहुत तंग करते हैं, कपड़े सीने में बहुत टाइम लगाते हैं, कभी टाइम पे सीके नहीं देते, कभी मेरे एक दफा ईद पे कपड़े ही नहीं पहुंचे थे. तो उस वक्त से मैंने सोचा कि उन्होंने फरहत से लेने हैं तो फरहत से ही मैं स्टिच करा लूं. ठीक है, अलग बात है कि फरहत की स्टिचिंग इज मोर देन द टेलर्स, बट यकीन करें टेलर भी जब एक एप्लिक का पीस लगाते हैं, जब एक ऑर्गेंजा खरीदेंगे, जब एक लेस खरीदेंगे, जब एक एक्स्ट्रा चीज खरीदेंगे, उसके पैसे आपसे ही लेंगे, वो अपनी जेब से थोड़ी डालेंगे. तो एब्सोल्युटली जस्टिफाइड हर रेट्स. अस्सलाम वालेकुम इस्मत आंटी, हाउ आर यू? तो मैं कहती हूं कि फरहत के रेट्स आर बिल्कुल जस्टिफाइड, क्योंकि मेरे टेलर ने इस दफा मुझसे बहुत ज्यादा रेट्स लिए. मैंने चिकन वगैरह सिलवाई थी बट मेरे इतना बिल था कि आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि बाजी मैंने शलवार कपड़े में ये लिया तो मैंने शलवार में ये जो ये पिनटेक्स डाली तो मैंने ये वाली लेस खरीदी, उसको डाई कराया और ऑर्गेंजा खरीदा, यूं किया, एंड में मेरा पर जोड़ा कोई 6,500-7,000 उस जोड़े के अलावा लगे. तो आई लव फरहत, आई लव हर वर्क. मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि फरहत मुझे वो जोड़े भी सोर्स कर देती हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते या जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, बिकॉज शी हैज हर सर्कल नाउ, शी हैज बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. फरहत, लव योर वर्क, द वे यू डू इट एंड योर कस्टमर सर्विस, एवरीथिंग आई कैन वाउच फॉर हर. सो लेट मी शो यू द जोड़ा दैट शी गॉट मी स्टिच्ड. फरहत ने मेरे लिए जोड़ा भेजा है, दिस इज बाय मुस्लिम. होता ही है कि यूजुअली मैं खुद ही जोड़ा सिलेक्ट कर लेती हूँ और फरहत देन डज ऑल द लवाजमात विद इट. तो ये मैंने पसंद किया था, मैंने कहा यार प्राइसेस इसकी वेरी रीजनेबल है तो आप मुझे ये जोड़ा खरीद के दे दें और आप ही सी दें, क्योंकि मेरा टेलर मुझे इतनी जल्दी वापस ही नहीं करेगा. तो फरहत ने ये जोड़ा लिया, उनको मैंने मेजरमेंट्स वगैरह भेजी. उन्होंने कहा मारिया इसकी मेजरमेंट्स जो है ना जो आपने भेजे, क्योंकि मैं लंबी शर्ट्स पहनती हूँ, तो उन्होंने कहा 50 बन नहीं रही थी कमीज, तो मैं इसमें अपनी डिजाइनिंग कर दूं. मैंने कहा बिल्कुल खुले दिल से अपनी डिजाइनिंग करें बिकॉज आई लव योर डिजाइनिंग. उन्होंने मेरे पहले भी बहुत से जोड़े सीए में एंड सब अमेजिंग है, तो मैंने कहा जी करें और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जब मुझे जोड़ा मिलेगा इट विल बी अ सरप्राइज फॉर मी. सो आप ये देखें कितने ये प्यारे इन्होंने लगाए हुए, यू नो टेसल्स वाले बटन्स लगाए हैं. देन क्योंकि लेंथ मेरी पूरी नहीं आ रही थी, उन्होंने ऑर्गेंजा लेके डाई करा के इसमें ये इस तरह सिलाई डाल के देन शी एडेड दिस लेस. मैं करीब से भी दिखाती हूँ, लेस लगा के देन शी एडेड द जो इसके अंदर प्रिंट था ना वो उन्होंने एप्लीक करके नीचे ऐड किया एंड उसके नीचे उन्होंने फिर एक बहुत खूबसूरत लेस लगाई और पर्ल से फिनिश किया. ये सब मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ. फिर देन बाजू में भी अगर आप देखें तो वो लेस लगाई है, देन द पीस ऑफ द यू नो जो प्रिंटेड पार्ट है उनकी मुजले नहीं एंड देन द लेस एंड द पर्ल्स. सबसे मजे की जो चीज मेरी फेवरेट थी ना वो ये था, ये देखें दुपट्टे की फिनिशिंग किस तरह, कैन यू सी? ये मुझे इतना मजे का लग रहा था, ये परों वाला इफेक्ट आज कल आया वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा भी लगता है. तो उन्होंने दुपट्टे को इस तरह फिनिश किया, ये लेस लगाई है, देन ये परों वाली लेस लगाई हुई है, इसके अंदर पर्ल्स भी हैं, इसके ऊपर लेस भी लगी हुई है एंड बैक साइड से इन्होंने ये बेज कलर का कपड़ा डाई करा के एंड शी हैज फिनिश्ड इट ऑफ विद दैट. सो एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिजाइनर जोड़े की लुक आ रही है मेरे जोड़े में. साइडों में भी लेसेस लगी हुई है, यू नो एवरीथिंग दैट शी हैज डन इज टू परफेक्शन. मैं इसकी बेस आपको दिखाना चाहूंगी, अगर कोई भी लड़की ये आइडिया लेना चाहे तो बहुत खूबसूरत है. फरहत का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं इस बना की मैंने ना, अब मैं आपको भेज देती हूँ, आपको मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ. ठीक है, ये देखें, कैन यू सी किस तरह उसने लंबा करने के लिए इतनी अमेजिंग डिटेल्स डाली हैं. फर्स्ट ही हैज पुट दिस लेस, देन द ऑर्गेंजा, वो भी प्लेन ऑर्गेंजा नहीं किया, उसमें इस तरह सिलाइयां हैं और ये भी डबल ऑर्गेंजा है, सिंगल नहीं है.
एंड देन उन्होंने ये जो प्रिंट था ना, जो यहां का प्रिंट था, वो एप्लीक करके यहां फिनिश किया. देन शी हैज एडेड पर्ल्स एंड दिस ब्यूटिफुल सिल्वर के साथ की लेस. तो एक्सेलेंट वर्क ये उन्होंने दामन पे किया हुआ है, दामन पे नहीं सॉरी चाकू में किया हुआ है. बहुत प्यारा मुझे जोड़ा लगा था, जिसकी वजह से मैं खास तौर पे आज ताक रात में आई कि मैं आपको पहले दिखा दूं जोड़ा, क्योंकि मैं अभी अफ्तारी से वापस आई थी और मैंने कहा फिर मैं जाके अपनी इबादत करूं. दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारी सबकी दुआएं सुने, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा करे, हमारे मुल्क में ऐसा लीडर लाए जो हम सबके लिए सिंसियर हो और करप्ट ना. सो आई होप यू लाइक दिस. आई एब्सोल्युटली लव माई जोड़ा, बहुत मुझे प्यारा लगा. मैं आपको बैक से दिखाती हूँ. हाँ, पैंट्स भी उन्होंने जो था उसके नीचे भी लेस लगाई है और फिर ऑर्गेन्जा के साथ फिनिश किया है. ये देखिए. सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके जोड़े को आम जोड़ा बनाती है या फिर उसी को एक हसीन जोड़ा बनाती है. अब मुस्लिम जो है वो 7,500 से 8,000 रुपए का होता है, लेकिन इन्होंने उसकी लुक ऐसी दे दी है कि ये लिटरली वो 14,000 वाली लॉन का जोड़ा लग रहा है. सो यू कैन ऑलवेज डू मल्टीपल थिंग्स टू योर जोड़ा एंड मेक देम लुक अमेजिंग. इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितने का जोड़ा खरीदा है, इट इज अबाउट आपने उसके साथ क्या किया और उसको कितना खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया. सो अमेजिंग जॉब फॉर अर डिजायर कलेक्शन, 100 out of 100 यू गाइज. आई लव द जोड़ा, आई लव एवरीथिंग अबाउट द जोड़ा. कमाल स्टिचिंग है यार, सही तुमने लफ्ज इस्तेमाल किया है, कमाल स्टिचिंग. वो एक दो दफा हमारे ना लाइफ में इंडियंस आए होते हैं तो वो बड़े ही प्यारे लफ्ज यूज करते हैं, जैसे क्या था, सुंदर. बहुत सुंदर है आपके कपड़े, तो मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि ये सारे दस हम बचपन से मूवीज में देख देख के और सुनते आए थे. तो आई लाइक दैट. तो यस, आई विल शो यू द दुपट्टा फिनिशिंग वंस अगेन, कि आपको नजर आए कि किस तरह उन्होंने लेसेस और देन इस तरह के और चारों तरफ भी उन्होंने छोड़ा नहीं था, लेस लगाई है और बैक से इस तरह फिनिश किया. एंड देन माई फेवरेट पार्ट, द दामन, इट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. ये जो था ना, ये तो आइडिया मुझे भी कभी ना आता. मुझे आता तो मैं यहां ऑर्गेंजा लगा देती और यहां पर सीधा सीधा पैच लगा देती. This is just outstanding. Love it. Thank you so much for watching. अब मैं जाके नमाज पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ. आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि मेरी भी दुआएं कबूल हो, और मैं दुआ करूंगी कि आपकी भी दुआएं कबूल हो. Thank you so much for watching. Love you all. खुदा हाफिज. अहमद भी, मैं इमरान खान के साथ इसलिए हूं कि वो करप्ट नहीं है, वो मुल्क का भला चाहता है, वो मुल्क को अंधेरों में ले जाने की जगह एक्चुअली बाहर लाना चाहता है, और वो इस्लाम को साथ चला के हमारे मुल्क को आगे लेके जा रहा है. सो दैट इज समथिंग आउटस्टैंडिंग, बजाय इसके कि वो समझे कि जहां मैं इस्लाम लाऊंगा तो मुझे टेररिज्म के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा या मुझे इस डिफरेंट चीजों की तरफ ले जाएंगे डिफरेंट एंगल में. ही इज नॉट स्केयर्ड. उसने इतने चीजें, इतने स्टेप्स लिए हैं कि ही इज माई लीडर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. खुदा हाफिज. चाक्स, चार्क्स की फिनिशिंग भी जी देख लें. ये लेस लगी हुई है, ठीक है, और बैक पे भी इन्होंने, आई थिंक ये शलवार का कपड़ा है जिसे इन्होंने ना ये इतना चौड़ा लगाया हुआ है. यू कैन सी, उससे क्या होता है कि एक हैवी आ जाता है, हैवीनेस आ जाती है, तो आपकी कमीज उड़ेगी भी नहीं. यहां पूरे एंड तक इन्होंने शलवार के कपड़ा लगा के तो फिनिश किया हुआ, ठीक है. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.